1971 के भारत पाक युद्ध में हिंदुस्तानियों ने पाक के 93,000 सैनिकों को बंधक बनाकर विजय हासिल की थी। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह इस बार भी रेवाड़ी में विजय दिवस मनाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन और युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। यह कहना है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का, जो रेवाड़ी में विजय दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। कैप्टन ने सरकार के नागरिक संशोधन बिल को धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करने वाला बिल बताया। देखिए, हम जो है हर साल या तो 18 नवंबर को रजांगला दिवस पे या फिर विजय दिवस पे हम जो अपने इलाके की वीरांगना हैं, जो हमारे इलाके के गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के और आर्मी के, उन लोगों को सम्मानित करते हैं। आज के मौके पर हमने ये मांग रखी है कि एक तो अही रेजिमेंट के बारे में हमने मांग रखी है, दूसरा 1962 के से लेकर जो उससे पहले वाली हमारी वीरांगना है, आप देखिए इनके जूते भी जो हैं वो ढंग के नहीं हैं। इनको जितनी सहूलियत मिलनी चाहिए उतनी सहूलियत इनको नहीं मिली है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इनको भी जो सम्मान आप आज के जो वार विडो उतना सम्मान इनको भी देना चाहिए। इनके दो वक्त के रोटी भी इनको नसीब नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर, और आज का दिन जो है वो अहम दिन है क्योंकि 1971 के अंदर विजय दिवस जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश बना था और उसमें 93,000 जो हमारे पाकिस्तान के जो फौजी थे उनको कैदी बनाया था, तो उसको विजय दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। हम उसकी कड़ी में हमने यहाँ बनाया है और रजांगला हमने इसलिए नाम रखा है हमारी संस्था का क्योंकि हम प्रेरित हैं जो 114 आदमी शहीद हुए थे हमारे 1962 की लड़ाई में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उसको लेकर हम लोग जो है ये कार्यक्रम हर वर्ष रखते हैं। हमने कुछ जो है जिन्होंने अन्य क्षेत्र में अच्छा काम किया, किसी ने पढ़ाई में अच्छा काम किया है या किसी ने एथलेटिक में, उनको भी हमने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।